हेलो गाइस, तो मैं जा रहा था नेपाल घूमने और हम लोग को लग रही थी गर्मी, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे गोला खाने। मैम और ये अभिषेक भाई है, दोनों बैठे हैं, गोला बना रहे हैं। उन्होंने बोला है किसी चीज़ का गोला है, मतलब जबरदस्त गोला बना के देंगे। उन्होंने बोला है अगर खराब बनता तो बताना, कह रहे हैं पूरे टनकपुर में इनके जैसा कोई गोला नहीं बना सकता। तो यहाँ गोला जरूर का गोला 20 रुपए का। हाँ, और प्लेट वाला सादा 10 रुपए का। तो कैसे, मतलब क्या क्या डालते हैं इमली के गोले में? इमली, चीनी का बटर, नींबू, हाँ, मसाला वसाला लगा के देता हूँ, तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा, और सादा वाला? सादा खाली मीठे मीठा होगा। अच्छा, तो मतलब सबसे अच्छा कौन सा होता है? इमली वाला। इमली वाला, चलिए ठीक है अंकल जी, खा के देखते हैं तो बताते हैं आपको। तो देख सकते हैं आप, ये ऐसे गोला बना रहे हैं अंकल जी, एकदम एक नंबर ये गोला तैयार हो चुका है और ये अब हमको दे रहे हैं। आप खा के जरूर देखें, खा के बताइए कैसा लग रहा है भाई, खा के बताइए। अरे नहीं, खा के बताइए आप कैसा है। बढ़िया है ना? हाँ, तो अगर आप लोग आए तो अंकल जी के पास जरूर खाएं गोला। तो गाइस, हम लोग गोला खा रहे थे, इन दोनों ने हम लोगों का गोला दिया छीन, इन दोनों ने, और ये भाई ने हम लोगों को गोला फिर से खिलाया है। तो ये देखिए गोला हम लोग को मिल गया है और अब हम लोग खाएंगे और आपको बताएंगे टेस्ट कैसा है। बहुत ही बढ़िया है, एक नंबर का है। अब ये लोग फिर से ले लेंगे इसलिए मैं आगे भाग गया हूँ। ये देखिए, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये नदी है, घाघरा नदी, सॉरी गाइस, ये शारदा नदी है। मैं थोड़ा कंफ्यूज में था, मैसी घाट 90 घाट के चक्कर में, ये घाघरा को शारदा बोल देता हूँ, शारदा को घाघरा। तो कौन सी नदी है ये? घाघरा। ये शारदा नदी है, इन सब की बातों पे मत ध्यान दे, ये शारदा नदी है। और ये देखिए, ये हमारे साथ में बने रही, हम तो गोला खा, ये साथ हमारे साथ गोला खा रहे हैं, ये सब गोला खाते हुए मजा ले रहे हैं। और ये हमारे आगे भैया बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें गोला खिलाया है, और ये देख सकते हैं आप जो कि खुद एक गोलेबाज हैं लेकिन हमें गोला खिला रहे हैं। ये इनका एहसान हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अभी भूल दी उनकी बबल, भूल दी हो गोला, क्या बता रहे हो? आप कुछ कहना चाहेंगे सर? भाई तो कहना ये चाह रहे हैं, गोले में जो है इमली डाली है ना अंकल जी ने, इमली का टेस्ट तो आ रहा है लेकिन पता है उसके साथ में ऐसा क्या डाल दिए है कि टेस्ट आ रहा है लेकिन करछा भी बहुत रहा है। अरे वो इमली में प्यार है अंकल जी का। और तो गाइस देख सकते हैं हम लोग रिक्शे से जा रहे हैं, ये लोग पैदल जा रहे हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, 3.5 किलोमीटर बताइए ना, 2 किलोमीटर। और गाइस वहाँ पे देखिए वो नेपाल का पुल है, नदी का ना। तो गाइस देख सकते हैं आप, हम लोग नेपाल के पुल के पास आ चुके हैं, अभी थोड़ा दूर है यार, देख लो आ जाएंगे लेकिन जल्दी आ जाएंगे। नदी देख रहे हैं आप कितनी बेहतरीन लग रही है, कभी देखी है ऐसी नदी आप लोगों ने? देखियो तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ देखी है। तो आपने एक नदी देखी या नहीं देखी है? यहाँ है, देखिए ना सामने हमारी नदी है। अच्छा, ये वाली नदी देखी? और पहले नदी देखी या नहीं देखी? नदी तो बहुत सारी देखी लेकिन ये वाली नदी आज देखी। ये वाली आज देखी है? अब मैंने दूसरी बार देखी। और आपने? पहली बार। मैम आपने? दो तीन बार हो चुका है। अंकल जी तो झूला झुलाते हुए चल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे भीड़ है, काफी भीड़ है, हल्की हो या भारी। तो फाइनली गाइस हम लोग पुल के पास पहुँच गए हैं, यहाँ तक हमको उतार दिया गया, अब हम लोग यहाँ से पैदल ही जाएंगे क्योंकि पैदल ही जा सकते हैं हम लोग, सवारी अंदर जाती नहीं है, या तो फिर टू व्हीलर से जाएं, टू व्हीलर तो हम लाए नहीं है, घर पे खड़ा है हमारा, तो हम लोग पैदल जा रहे हैं। और आगे आपको दिखाते हैं नेपाल के अंदर का भी व्यू कितना बढ़िया बेहतरीन है, अगर आए कभी आप तो घूमने जरूर आए। गाइस मेरा अभी तक गोला खत्म नहीं हुआ है, मैं खाते हुए अंदर जा रहा हूँ, मस्ती से मजे लेते हुए, आप लोग गोला खाते हुए अंदर जाए तो ज़्यादा मजा आएगा। देख सकते हैं आप लोग पीढ़े कितनी भीड़ है, अभी रहा लेते हुए खाते हुए चलिए भैया, थोड़ा सा बच्चा है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये पुल है नेपाल वाला, और देख लीजिए इधर पानी भरा हुआ है, इस तरफ बिल्कुल पानी नहीं है। तो आपको व्लॉग में दिखाएंगे, यहाँ पे फ़ोन चलाना मना है इसलिए मैं चुप्पे से बना रहा हूँ वीडियो, आपको पता नहीं चल पाएगा, मतलब आपको तो पता चलेगा बाकी लोगों को पता नहीं चल पाया है।
ठीक है गाइस, आपको मिलते हैं ब्लॉग में। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए थोड़ा सा अंदर नेपाल में। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग नेपाल के अंदर जा रहे हैं और ये था पुल, हम लोग ने पुल क्रॉस कर लिया है और हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ से वैसे टू व्हीलर से जाया जाता है लेकिन हम लोग इतने लोग हैं पैदल ही जा रहे हैं, सभी लोग पैदल जा रहे हैं और कितने लोग पैदल जा रहे हैं, मैं भी पैदल ही जा रहा हूँ। हम लोग देखिए हमारे पीछे कुछ लोग हैं, बाकी हमारे सब परिवार के लोग आगे हैं और बहुत ही बढ़िया। तो फाइनली गाइस बहुत से लोग यहाँ पे थक गए हैं तो यहाँ पे देखिए पेड़ के पास बैठ गए हैं और यहाँ पे अपडेट दे रहे हैं सब। ये देखिए यहाँ पे सब थके हुए बैठे हुए हैं। क्या हेलो गाइस, तो देखिए ये लड़का बहुत थका हुआ है इसलिए घोड़ी पे लदा हुआ है, घोड़ी पे नहीं सॉरी घोड़े पे लदा हुआ है। ये और ये सब पैदल चल रहे कंकड़ पत्थर में और हम भी चल रहे साथ में। यार क्या करें, मजबूरी है पर जरूरी है चलना। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग नेपाल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे मार्केट लगी हुई है बहुत ही। ये देखिए यहाँ पे चश्मे भाई साहब बेच रहे हैं और ये हमारे भैया जी चश्मा खरीद रहे हैं। ये टिक्की बता से जो भी खाना हो आपको, खीरा खाना हो खीरा खाइए, यहाँ पे पूरी मार्केट लगी हुई है। जो सामान लेना हो कमला पसंद भी लेना मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मुरब्बा मिल रहा है क्या, ये उसको हम रख बोलते हैं टैटू आर्टिस्ट यहाँ पे बैठते हैं हमारे टैटू बनवाना। गाइज यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खो गया है। अबे इतना ना दिखाओ, एक छोटा सा बच्चा खो गया है, मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है। अब ये हरा वाला ये देख लीजिए दिख रहा है, हाँ वो ये वाला यही वाला है वो। अच्छा ये बच्चा खो गया है, अगर मिले किसी को तो संपर्क करें। तो गाइज हम लोग मंदिर जा रहे हैं अभी, ये मंदिर की रास्ता है, थोड़ा सा तो जाम हम लगा हुआ है हल्का फुल्का, आगे जाते हैं तो दिखाते हैं आपको मंदिर है कहाँ पे। हमने पहली बार देखने जा रहा हूँ मैं भी, सिद्ध बाबा मंदिर है। ये देखिए यहाँ पे बच्चा खो गया था, वो जो पुलिस वाले हैं वो पूछ रहे हैं किसी का है तो बता दें। ये मिल गई है, इन्हीं का बच्चा, इनका है बच्चा मिल चुका है। भाई साहब देख सकते हैं इनका बच्चा मिल गया है, ये देखिए देखिए मिल गया इनका बच्चा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये भी एक पतली सी गली से हम लोग जा रहे हैं, आगे भीड़ है, यहाँ पे मार्केट लगी हुई है मस्त। और ये हमारे भाई साहब खड़े हुए, टोपी लगाए हुए, चश्मा लगाए हुए, ये देखिए एकदम शाहरुख खान लग रहे हैं, लग रहे हैं या नहीं लग रहे कमेंट करके जरूर बताएं। ये देखिए ये भाई साहब तो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर के गेट तक आ चुके हैं, अभी हम लोग प्रसाद ले लेंगे फिर अंदर जाएंगे, फिर आपको अंदर से भी व्यूज दिखाएंगे इसका। गाइस ये बढ़िया सा सामान आ रहा है मंदिर के अंदर इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। तो गाइस मंदिर के अंदर हम लोग आ गए, ये देखिए ये मंदिर है, काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत भीड़ है, एकदम मस्त मंदिर है देख लीजिए। आइएगा तो घूमने यहाँ पे ज़रूर आइएगा।